नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था और इसी बीच पुलिस पहुंचती है और कुख्यात अपराधी विपिन सिंह गिरफ्तार हो जाता है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप एक सड़क हादसा होता है, जिसके बाद कुख्यात अपराधी विपिन सिंह अपने साथियों के साथ हंगामा करता रहता है, जिसकी सूचना डायल 112 पर दी जाती है और फिर अय्यापुर थाने की पुलिस आती है। तो जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है पूछताछ में कि वो तो कुख्यात अपराधी विपिन सिंह है, जिसके बाद पुलिस ने आए की कार्रवाई की है और उसकी संलिप्तता बैरिया में कुछ दिन पहले जो गोलीबारी हुई थी, जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई थी, उसमें भी सामने आई है, जिसके बाद डीएसपी टाउन राघव दयाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। 13 जनवरी की रात्रि में अय्यापुर थाना क्षेत्र में पुरानी मोतिहारी रोड में एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन मिला, उसमें एक व्यक्ति को आर्म्स और गोली के साथ पकड़ा गया। उस गाड़ी से हुंडई गाड़ी थी, उसका नाम पता करने पर पता चला विपिन कुमार सिंह अपना नाम समस्तीपुर के रहने वाले हैं बता रहा था। बाद में छानबीन के क्रम पता चला कि विपिन सिंह पूर्व का आदतन अपराधी रहे हैं। ये 2003 से अपराध में सक्रिय हैं और कई थाना में इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है, आरोपित भी रहे हैं, कुछ कांडों में वांछित भी हैं। उन्हीं के साथ एक व्यक्ति और जख्मी हालत में पकड़े गए थे। उनका गंभीर अवस्था रहने के कारण एसकेएमसीएच में उनका बेहतर इलाज के लिए एडमिट कराया गया था और आईसीयू में उनके इलाज चल रहा है। बाद में पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि कल बैरिया गोलंबर पर भूमि विवाद को लेकर के गोलीबारी की घटना हुई थी, उसमें भी ये अपनी टीम के साथ शामिल थे। उस केस में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। कल जो अय्यापुर थाना क्षेत्र का बैरिया गोलंबर के पास में भूमि विवाद में जो गोलीबारी हुई थी, उसमें का नामजद एक अभियुक्त विजेंद्र शर्मा को गोली शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं कल की गोलीबारी वाली घटना में। एक व्यक्ति जख्मी हालत में है जो पुलिस निगरानी में है और उनका इलाज चल रहा है। और इन लोग के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल, एक हुंडई गाड़ी बरामद हुआ है। विपिन हर एक धारा में, मारपीट, SC ST एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या, रंगदारी, लूट में पूर्व के आरोपित और कुछ कांडों में वांछित भी हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा और भी जिलों में इस पर मामले दर्ज हैं? जहाँ तक अभी तक हम लोग जो पता चला है, मुजफ्फरपुर का ही ब्रह्मपुरा थाना, कांटी थाना, सरैया थाना और अय्यापुर थाना क्षेत्र में इनकी घटना प्रतिवेदित रहने के बाद पता चला है और पता लगाया जा रहा है इनके बारे में। तो अभी छानबीन और किया जा रहा है। तो आपने सुना कि डीएसपी टाउन राघव दयाल ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि इस पर कई दर्जनों मामले दर्ज हैं, 2003 से इसका आपराधिक इतिहास है और ये समस्तीपुर का रहने वाला है। आए की कार्रवाई की जा रही है, इस पर लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर पुलिस आए की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ शराब का इस पर क्या मामला है, उसको लेकर भी पुलिस देख रही है। फिलहाल DSP टाउन राघव दयाल ने ये जानकारी दी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।